जी गाइस ये देखें माशाल्लाह से कितना जबरदस्त साफ सुथरा जो है ना ये मुर्गियों का घर हो गया। मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ, ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह ताला करम फजल से खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप लोगों की दुआओं से खैर खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला से हम हमेशा दुआ करते हैं, या अल्लाह जितने बीमार लोग हैं सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, और मेरे जिन बहन भाइयों के यहाँ औलाद नहीं अल्लाह ताला उनको औलाद मुरीना से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों से हमेशा एक ही रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल शानी ब्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें, और जो साथ घंटी वाला बटन है इसको भी प्रेस कर दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। जी गाइस, तो आज संडे है, संडे वाले दिन जो है ना मैं काफी मेरी जो है ना घर के काम करने की रूटीन बनी हुई है, जिनमें से एक रूटीन ये शामिल है कि मैं अपने जो मुर्गियां रखी हुई है ना उनके जो है ना ये पिंजरे वगैरह इनकी सफाई करता हूँ। तो आज मैं भी जो है ना ये मुर्गियों के पिंजरे की सफाई करने लगा हूँ और आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है ना मैं सफाई करता हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जी गाइस, ये देखिए काफी दिन हो गए मैंने मुर्गियों के डब्बे की जो है ना सफाई नहीं की। ये देखो बहुत ज्यादा जो है ना गंदगी फैली हुई है, आज मैं इसकी सफाई करूंगा। सफाई करने से पहले सबसे पहले मैं इनको बाहर निकालूंगा। चलो चलो इनको मैंने बाहर निकाल दिया। जी इनके खाने वाली चीजें तो मैंने बाहर निकाल दी है, अब अंदर जाके देखते हैं कि हमारी मुर्गियों ने अंडे वगैरह भी दिए हुए हैं। चलो ये देखे जी माशाल्लाह से हमारी दोनों मुर्गियों अंडे दिए हुए हैं, बड़े आराम से उठा लेते हैं। गरम गरम अंडे लगते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही इन्होंने दिए हैं। अब अंडों को मैं रख देता हूँ। जी इनके अंडे देने वाले जो घर है उनको भी मैंने बाहर निकाल दिया, अब अंदर कोई चीज नहीं है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से साफ करूंगा, सफाई करने से पहले मैं मास्क का यूज करूंगा। जी गाइस, तो मास्क जो है ना वो मैंने मुंह पे लगा लिया है क्योंकि गिरदों को बाहर उड़ेगी सारी जो है ना वो आपने अपने आप को महफूज रखना है, उसके लिए मैंने मास्क लगा लिया। अब मैं इसकी सफाई करता हूँ। जी गाइस, तो मैं सफाई करने लगा हूँ। सफाई करने से पहले ये जो है स्पेशल जो है ना ये पूजा वो जो नीचे जमी होती है ना वो बिट्टे वगैरह वो भी इससे बड़ी जैसे इजी जो है ना वो निकल। तो अब मैं सफाई शुरू करता हूँ। माशाल्लाह बहुत जो है ना खुला वो खुटा जो है ना मैंने कब बनाया हुआ है कि अंदर जाके जो है ना बड़े अच्छे तरीके से जो है ना मैं सफाई कर सकता हूँ।
पूरी गाय जो सफाई मैंने कर ली है वो पार्लर में जितना भी कूड़ा था मैंने सारा इकट्ठा कर लिया है, अब मैं उसको उठाऊंगा। जी गाइस मैंने वो सारा सामान रख दिया, अब मैं इनका जो है नया पानी साफ सुथरा पानी भर के रखता हूँ और साथ जो है ना इनका खाना वो भी दोबारा जो है ना छोटे के अंदर जो है मैं रख। जी गाइस तो ये मुर्गियों का जो है ना ताज़ा पानी भर के ले आया हूँ, ये भी इसके अंदर रख देता हूँ। और ये जो है ना इनकी खुराक, ये जो अंडे देने वाली खुराक है वो भी मिक्स है साथ बाजरा, ये देखें आप ये सारी चीज़ें जो है ना इनको डाल देते हैं। हमारी मुर्गियाँ बेताब हैं अपने खुद्दे के अंदर आने के लिए, तो उनको बुलाते हैं। जी गाय से मुर्गी अपने साथ सुथरे घर में जो है ना बहुत खुश है, वो देखो जाते ही सबसे पहले जो है ना वो अपने अंडे देने वाली जगह जो है ना उन्होंने वो भी उनको पसंद आ गया, वो साफ सारी सफाई हो गई उनके घर, तो वो देखते हैं आप। जी गाइस ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त साफ सुथरा जो है ना ये मुर्गियों का घर हो गया, मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह बहुत खुश हो गया, इनके घर की सफाई हो गई। अंदर पकड़ के लाओ उसके अंदर जाओ, अंदर पकड़ के लाओ। लो जी हमारा मुन्नू भी बहुत खुश हो गया कि इसकी मुर्गियों का घर जो है ना ये साफ सुथरा हो गया। जी गाइस तो अल्हम्दुलिल्लाह से मुर्गियों का जो घर है उनकी सफाई हो गई है, ये देखें माशाल्लाह कितनी खुश है, ये देखें ये देखें।
जी गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो, आपको किस तरह की लगी? अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। अच्छे कमेंट्स करने से मेरी हौसला अफजाई बढ़ती है। आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। ओके, अपना और अपने दोस्तों का, अपने चीजों कार्यों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद।